मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं, ये जनता के बीच नहीं जाते हैं और अगर हम कुछ करते हैं तो इसका श्रेय लेने आ जाते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के दोनों नेता बुजुर्ग ट्विटर हो गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है उस पर ना बोले तो ही ठीक रहेगा। कांग्रेस नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, वे घर बैठकर ट्वीट की राजनीति करते हैं, वो कभी जनता के बीच नहीं जाते। जो कार्य भाजपा सरकार करती है उस पर ये श्रेय लेने और सेहरा बांधने जरूर आ जाते हैं। उन्होंने जनदर्शन यात्रा पर कांग्रेस की टिप्पणी पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और नेता जनता के बीच जाते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिर्फ कह सकते हैं, ये नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी शारीरिक दिक्कतें हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता 28 उपचुनाव में भी यही कहते थे, उनके परिणाम सबने देख लिए। कमलनाथ कहते थे कि 15 अगस्त को वो झंडा फहराएंगे, लेकिन क्या हुआ, ये नेता ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और वो लोग आराम से कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं, जनता के बीच जाते नहीं, जन दर्शन करते नहीं। अब उनके ट्वीटों का कहां तक जवाब देंगे, खुद ने कुछ किया नहीं और हम कुछ करें तो फिर सेहरा बांधने के लिए आ जाते हैं कि हमने किया था। हमें भी तो 15 महीने हुए हैं, आपको भी 15 महीने हुए थे। हम जब 15 महीने में कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं किया था। अब मैं उनको क्या बुजुर्ग ट्विटर वीर कह देता हूँ, क्या है इसके अलावा। मतलब हम काम कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं तो सेहरा बांधते हैं, खुद हमको घोषणा वीर कह रहे हैं, खुद ट्विटर वीर हैं। मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दरअसल मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से कई लोग हमारे, वो चाहे सामान्य वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के, अजा वर्ग के, बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। प्रमोशन न होने से मानसिक संताप जैसा भी रहता है और ये छोटी छोटी दिक्कत होने के कारण से एक समिति बनाई है। हमारी कोशिश होगी कि सभी पक्षों के साथ बैठकर ऐसा हल निकल आए, जल्दी निकल आए, जिससे कि सभी पक्षों का और सभी वर्गों को न्याय मिल सके। ये वही लोग हैं 28 सीटों के चुनाव के पहले कह रहे थे अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे 15 अगस्त को झंडा। ये ख्याली पुलाव है, बना सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सभी थानों में पौधारोपण का कार्य स्वच्छता अभियान की तरह किया जाएगा, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी थाने की होगी। प्रमोशन के मुद्दे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से कई बार कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो रहे हैं। इस विषय पर एक समिति बनाई गई है जिसमें सभी पक्षों की सहमति से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा, ठोस और सार्थक पहल की कोशिश की जा रही है। वहीं खंडवा के एक थाने में चोरी के एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत पर उन्होंने कहा कि TI सहित 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, मामले की जाँच की जा रही है। हमने तय किया है कि सभी थानों के अंदर वृक्षारोपण का अभियान, उस थाने के प्रत्येक स्टाफ के नाम से वृक्ष लगेगा और पालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। थाने की पूरी तरह से जन्मदिन के दिन से जो सप्ताह मनेगा 17 से 7 का, उसमें साफ सफाई होना, बाकी की चीज़ों में मरम्मत होना, सुविधा होना, और जैसा माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया उसको अंगीकार और स्वीकार करते हुए पूरे थानों के अंदर ये अभियान चलेगा। थाने के अंदर हवालात में नहीं, एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है, किशन मानकर OBC समुदाय से आते हैं, ये मोटरसाइकिल चोरियों के आरोप में अपने भाइयों के साथ में बंद थे, कमरे में थे, 4-5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, हो चुकी हैं, मतलब पिछले 2-3 दिन में। अपने भाई के साथ थे, जो भाई का कथन है कि उनको कोई सांस की दिक्कत आई थी। इसके बावजूद भी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मैंने TI जो वहाँ थे गणपत जी, उनको सस्पेंड करने का,
जो मायाराम जी प्रभारी थे वरिष्ठ एएसआई उनको निलंबित करने का, दो कांस्टेबल को निलंबित करने का बोल दिया है, ये सभी निलंबित किए जाएंगे। ये खरगोन जिले के बेड़िया गांव के रहने वाले थे, अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि वहां अंदर भाई से, चूंकि भाई का नाम उसी ने लिया था, भाई तो भाई से विवाद में कुछ कमरे में हुआ है, जैसा भाई ने रिकॉर्ड भाई के बयान हुए हैं कि उसको सांस की दिक्कत कोई आई थी, स्किन डिसीज भी थी कुछ, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।